C++ प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। C++ प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर। हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब स्ट्रक्चर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसके साथ हम काम कर सकते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि स्ट्रक्चर क्यों आया, ठीक है, इसका क्या रोल था। लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू अलाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन अ सिंगल नेम। जब आप अलग अलग तरह के डेटा टाइप के वैल्यू को एक सिंगल नेम के साथ बाइंड करके एक्सेस करना चाहते हैं तब आप क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, और यही काम के लिए स्ट्रक्चर को लाया गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है C++ में जिसकी मदद से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स देखो, आपको लिखना है स्ट्रक्ट, फिर यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर का नेम होगा, ये कुछ भी हो सकता है। फिर ये ब्लॉक आपको क्रिएट करना है स्ट्रक्चर का, और इस ब्लॉक के अंदर आपका मेंबर रहेगा। तो यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप का वैल्यू आप स्टोर करके रख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो इसको अगर हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम है EMP, ठीक है। और यहाँ पे देखो, हम कैर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक इंटीजर टाइप का। तो अभी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अलग अलग तरह का हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और इन अलग अलग तरह की वैल्यू को हम इस स्ट्रक्चर नेम के थ्रू एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जितने भी मेंबर रहते हैं सबके लिए अलग मेमोरी क्रिएट होता है। कैर का साइज होता है 1 byte, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, यानी 50 bytes का मेमोरी यहाँ पे बनेगा कैर के लिए, और इंटीजर का 4 bytes का मेमोरी सेपरेट बनेगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग मेमोरी क्रिएट हुआ, तो इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें हम कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं, सपोज 100 इनपुट किया हमने। तो अलग अलग तरह की वैल्यू आप स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हैं, उन्हें स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में हम आपको बेटर समझा पाएंगे कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप याद क्या रखेंगे, वंस स्ट्रक्चर इज डिफाइंड नाउ डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ दैट टाइप। एक बार अगर आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिए, फिर आप क्या कर सकते हैं, उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर का नेम, यहाँ पे देखो ये जो डिटेल्स है ये स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम है, और इसी वेरिएबल नेम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइंड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो डिटेल्स वेरिएबल एम्प्लॉई स्ट्रक्चर का एक मेंबर है, ठीक है। इस मेंबर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में डिफाइन किए गए मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो सैलरी और नेम, तो इस सैलरी और नेम को हम इस डिटेल्स के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो चलो हम प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे बनेगा। प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट, एक कीवर्ड होता है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर का नेम प्रोवाइड करेंगे EMP, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर अब हम मेंबर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉई का नेम के लिए एक स्ट्रिंग टाइप का मेंबर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ID को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंटीजर टाइप का मेंबर होगा हमारे पास, और उसकी सैलरी के लिए हम एक डबल टाइप का मेंबर क्रिएट कर रहे हैं, ओके। तो अभी तक हमने क्या किया, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कराया जस्ट, ओके, और उसमें 3 अलग अलग मेंबर डिफाइन किए हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप का। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मेन फंक्शन में आएंगे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट, ठीक है, कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर मेंबर का नेम, और यहाँ पे एक मेंबर वेरिएबल प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये मेंबर वेरिएबल हम क्यों प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि इसी मेंबर वेरिएबल के थ्रू हम इन मेंबर्स को एक्सेस करेंगे जो स्ट्रक्चर में हम डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इन सभी मेंबर्स का साइज बता देते हैं। स्ट्रिंग का साइज होता है 8 bytes, ठीक है, 8 bytes। उसके बाद यहाँ पे इंट का साइज कितना होता है, 4 bytes, और यहाँ पे डबल का साइज भी होता है क्या, 8 bytes। तो इसको चलिए हम देख लेते हैं ये इतना ही साइज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे cout में हम क्या करेंगे, एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है C++ में जो कि किसी भी मेंबर का साइज हमें बता देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम को पास करेंगे, ठीक है। तो ये नेम का साइज बताएगा हमें, और हम चाहते हैं कि एक मैसेज भी आ जाए बाइट्स में, ओके। तो इसी तरह बाकी मेंबर का साइज भी पता करने के लिए यहाँ पे हम EID दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या देंगे हम, सैलरी, ओके। तो चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, सबसे पहले साइज देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नेम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ठीक है। ये जो नेम है ना, ये मेन फंक्शन में तो हमने बनाया है नहीं, ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर में हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको
आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कंपाइलर, तो इसको इस मेंबर के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ई डॉट नेम, उसके बाद ई डॉट eid और ई डॉट सैलरी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का मेंबर है, तो स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल से ही रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो अभी अगर हम प्रोग्राम को रन करें, अच्छा यहाँ पे हमने एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मिस किया है। अब हम इसको रन कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लो, स्ट्रिंग का 8 बाइट्स, इंटीजर का 4 बाइट्स, ठीक है, और डबल का 8 बाइट्स, यानी 20 बाइट्स का टोटल स्ट्रक्चर में अभी मेमोरी क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनमें कुछ वैल्यू भी दे देते हैं, इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे क्या, ई डॉट नेम में एक नेम असाइन कर देंगे हम, कि कैसे स्ट्रक्चर में वैल्यू हम असाइन करते हैं मेंबर में, ठीक है। ई डॉट ई आई डी, यहाँ पे ई आई डी दे देते हैं हम, ओके। उसके बाद ई डॉट सैलरी, सैलरी दे देते हैं, ठीक है। और अभी इन मेंबर्स को हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, तो ई डॉट नेम बीच में आ जाए स्पेस, उसके बाद ई डॉट ई आई डी अगेन स्पेस, उसके बाद ई डॉट सैलरी, ठीक है। तो अभी चलो इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो हम अपने डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक एम्प्लॉई का डेटा इनपुट किए हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। आपका टास्क क्या होगा, आप एक एरे क्रिएट करिएगा जिसमें 5 एम्प्लॉई का नेम, एम्प्लॉई आईडी, सैलरी इनपुट करिएगा और उसको प्रिंट करिएगा। अब अगर आप एक बार में जानना चाहें कि इस स्ट्रक्चर के लिए टोटल कितना साइज ऑक्यूपाइड हुआ है, तो आप ये भी पता कर सकते हैं। आप कहेंगे कि 20 बाइट्स, ठीक है, 20 बाइट्स आप बोलेंगे, तो चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अभी हम बताने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ईएमपी का साइज, ठीक है, स्ट्रक्चर का साइज, तो अगर अभी हम रन करें तो यहाँ पे देखो 24 बाइट्स आउटपुट आया है। आप कहेंगे कि 24 कैसे आ गया, यहाँ तो 20 आना चाहिए। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि ये 24 क्यों आया। सबसे पहले जो भी बिगेस्ट मेंबर होता है उसके लिए पूरा मेमोरी क्रिएट होता है, ठीक है, जैसे ये, और इसके लिए पूरा 8 बाइट्स का क्रिएट हुआ, और ये जो स्मॉलेस्ट मेंबर है ना इंट, इसके लिए 4 बाइट्स का मेमोरी ही क्रिएट हुआ है। लेकिन कुछ कंपाइलर अपने से क्या करते हैं, बिगेस्ट मेंबर के साइज के अकॉर्डिंग इनको भी स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि स्ट्रक्चर को मेमोरी के अंदर प्रॉपरली अलाइन कर सकें। हम आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बता देते हैं, स्ट्रिंग के लिए 8 बाइट्स बना, डबल के लिए भी 8 बाइट्स का मेमोरी बना, ठीक है, और इंट के लिए 4 बाइट्स का बना, लेकिन 4 बाइट्स पैडिंग ऐड कर दिया गया है ताकि इस स्ट्रक्चर को इन स्ट्रिंग और डबल मेंबर्स के अकॉर्डिंग इंटीजर को भी यहाँ पे अलाइन किया जा सके, स्ट्रक्चर मेंबर इंट को भी अलाइन किया जा सके इनके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे सम कंपाइलर्स मे ऐड पैडिंग बिटवीन मेंबर्स टू इंश्योर दैट स्ट्रक्ट इज प्रॉपरली अलाइंड इन मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बाइट्स ऐड किया गया है। अगर आप एक और सैंपल देखना चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अभी हमारा बिगेस्ट मेंबर हम इंट को रख रहे हैं, ठीक है, और एक स्मॉलेस्ट मेंबर क्रिएट कर लेते हैं सीएच, ओके, और अभी सीएच के लिए 1 बाइट्स का मेमोरी क्रिएट होता है, ठीक है, ओनली 1 बाइट, आपको भी पता है, ठीक है। तो इसका तो टोटल 5 बाइट्स आना चाहिए, लेकिन आउटपुट क्या आएगा, 8 बाइट्स आएगा, ये देखो 8 आया है। इसका मतलब यहाँ पे कैर के लिए भी स्ट्रक्चर में 4 बाइट्स का स्पेस बना है। क्यों क्यों बना 4 बाइट्स का, ताकि इस कैर को इस इंट के साथ इक्वल किया जा सके, और ये स्ट्रक्चर ताकि मेमोरी में प्रॉपरली अलाइन हो सके। तो ये कंपाइलर ऐड करता है, कंपाइलर पे डिपेंड करता है, और आप किस इन्वायरमेंट में अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।